हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है उसमें दो भुजा भी दे रखी है तो आप तीसरी भुजा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक सूत्र होता है, वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इस सूत्र को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आप याद रख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी सूत्र से हम ये तीसरी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं दी हुई है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर, भाई तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं आसानी से इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले में आपको ध्यान से समझना होगा कि भाई कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा है, यहाँ पे देखिए ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, 90 अंश का कोण। इसके सामने वाली भुजा ये देखिए, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी, ये सामने वाली भुजा, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण। ये सबसे बड़ी भुजा भी होती है, इन दोनों से बड़ी होती है, ये होती है कर्ण। जो बड़ी भुजा होती है उससे बोलते हैं कर्ण। वो कहाँ होती है, 90 अंश के ठीक सामने, एकदम ठीक सामने होती है कर्ण। अब भाई कर्ण हो गया, अब भाई लंब और आधार कहाँ से पहचानेंगे, तो भाई हम क्या करते हैं, लंब आप इसको मान लीजिए और आधार इसको मान लीजिए। ठीक है भाई, आधार जिस पे ये टिका हुआ है, आधार इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हो गया। आप यहाँ पे इसको भी आधार मानेंगे, इसको लंब मानेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, कर्ण आपको हमेशा यही मानना है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण आपको हमेशा मानना है, और लंब आप यहाँ पे चाहे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ फिर, और आधार भी आप यहाँ मान लीजिए चाहे चाहे यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, तो भाई ये कर्ण दे रखा हमको, मिल गया कर्ण ये है, तो भाई कर्ण कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, कर्ण का मान तुरंत निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर, भाई देखिए लंब, लंब का वर्ग, भाई लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 4 अभी लिखते हैं, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर प्लस भाई आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि हम 3 का वर्ग करेंगे। अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये कर्ण है, कर्ण का इसे वर्ग लिख देंगे बराबर, यहाँ देखिए 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16, और प्लस 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 का 9 होता है। अब ये देखिए यहाँ पे कर्ण है, तो ऐसे लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 16 और 9, क्या करेंगे जोड़ देंगे, 16 और 9 भी कितना होता है, जोड़ लीजिए आप 25 होता है, तो ऐसे हम 25 लिख देंगे। अब देखिए कर्ण का वर्ग, इधर वर्ग है, इस साइड जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। देखिए उल्टा होता है, जैसे प्लस का होता है इस साइड जाता है तो माइनस, इसमें भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे वर्ग है इस साइड जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे कर्ण बराबर, वर्गमूल को ऐसे लिखते हैं, इसके अंदर लिख देंगे हम 25। ठीक है, जो 25 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है हमारा, 5, यानी कि यहाँ से हमारा निकल गया कर्ण बराबर कितना हमें मिला, कर्ण बराबर हमें मिला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे सेंटीमीटर लिख देंगे आंसर, यानी कि हमारा जो ये कर्ण है ए सी, ये हमको कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।